मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की ओर से भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि निगम बेहतर कार्य कर रहा है, इससे न केवल निगम के लाभांश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बल्कि कृषकों को भी अपनी उपज के भंडारण में अधिक सुविधा मिल रही है। राज्य ने यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर निगम की ओर से वर्ष 2016 ऋण 17 के लिए 1.18 करोड़ रुपए का लाभांश चेक भेंट करने के दौरान कही। निगम अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत ने राज्य को चेक भेंट किया। राज्य ने निगम की बेहतर व्यवस्थाओं, कार्यशैली तथा लाभ में बढ़ोतरी के लिए श्री गहलोत के प्रयासों को सराहा। निगम अध्यक्ष गहलोत ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2016 ऋण 17 में निगम को 34.48 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, जबकि वर्ष 2015 ऋण 16 में 25.11 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। श्री गहलोत ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 93 स्थानों पर निगम के भंडार गृह हैं। वर्तमान में निगम की कुल भंडारण क्षमता 11.41 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से औसतन 84% क्षमता का उपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि निगम के भंडार गृहों पर संग्रहित कृषि उत्पादन एवं अन्य जिन्सों के भंडारण शुल्क में कृषकों को दी जा रही छूट अन्य राज्य भंडारण निगमों एवं केंद्रीय भंडारण निगम की तुलना में सर्वाधिक है। समस्त सहकारी संस्थाओं को 10%, कृषकों को 60% तथा समस्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों को 70% तक छूट दी जा रही है।